अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाहर सऊदी अरब, तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो बंद थी, इसलिए इनको वाया जाना पड़ा। तो ये किर्गिस्तान अब पहुँच गए हैं। ये वहाँ का एयरपोर्ट है और ये सब जो है पैसेंजर जो हैं ये सब सऊदी अरब जाने वाले हैं, और ये अब किसी कन्वेंस से होटल जाएंगे जहाँ इनकी रिहाइश है 15 दिन के लिए। ये परसों पहुँचे थे वहाँ पे और मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, ये ऐसे इस तरह के जो एरिया है, इलाका है, ये वहाँ जा रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, असल में बहुत ही सर्द इलाका है बता रहे थे। और ये रास्ते में जो है इनकी बस जा रही है होटल की तरफ। और बस ये देखिए, अभी अपने होटल पहुँच गए हैं। यहाँ पर ऊपर इनका रूम है, वहाँ पे ये रिहाइश गाह है, वहाँ पे इनकी 15 दिन का स्टे है वहाँ पे। तो तकरीबन 12 सितंबर तक इनकी जो फ़्लाइट है किर्गिस्तान से जद्दा की तरफ है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से ये जो है सऊदी अरब पहुँच जाएं, और हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। ओके जी व्यूवर्स, आप वीडियो देखें और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसलिए कि आप भी देखें ये किस तरह का मुल्क है। बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह से बहुत प्यारी जगह है। और जैसे हमारे पाकिस्तान में मरी की साइड है, ये भी सेम वैसे ही है, शायद उससे भी प्यारा हो। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इनका रूम है, ये जो ऊपर बालकनी बनी हुई है, यहाँ पर इनका रूम है, यहाँ पर ये रिहाइश कर रहे हैं। और बहुत ही सर्द इलाका है वहाँ का, आपसे भी बात करेंगे। ये अभी इनको टाइम नहीं लग रहा, तो बोल रहे थे कि मैं व्यूवर से बात करूंगा, आपने जो है बताऊंगा किस तरह का यहाँ का मौसम है। तो अभी ये बिज़ी थे तो इसलिए। तो ओके व्यूवर्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी दुआ में याद रखें और दुआ करें कि मेरे हस्बैंड खैर खैरियत से सऊदी अरब पहुँच जाएँ, उनका ये रास्ता जो है आसानी से गुज़र जाए, और ये जो टाइम है इनका आसानी से गुज़र जाए, ये अपने मकाम पे पहुंच जाएं जहां इन्होंने जाना है। आमीन, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। आमीन। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, the impression that I won't scratch your surface, and I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Can I?